हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप? ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं पुष्पा प्रजापत आपके लिए क्या लाई हूँ? ऑनलाइन क्लास किस कौन से सब्जेक्ट की? संस्कृत की। अपन कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे? पार्ट दो। कौन सी क्लास का? नवीं क्लास का पार्ट दो पढ़ रहे थे। क्या नाम था उसका? स्वर्ण काकह, यानी कि सोने का कौवा। उसमें क्या हुआ था? पहले अपन ने एक पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद कर चुके थे ना। अब उसमें देखो क्या हुआ था कि एक निर्दर बुढ़िया माई थी और उसके क्या थी, एक बेटी थी। वह बहुत ही सुंदर और विनम्र थी और उसकी माता ने उसको क्या काम सौंपा था कि एक थाली में चावल रख करके पक्षियों से रक्षा करने के लिए। तो वहाँ पे एक विचित्र कौवा आया। वैसा विचित्र कौवा उसने कभी भी नहीं देखा था, फिर भी वह चावल क्या करने लग गया, वो कौवा चावल खाने लग गया। और उसको रोते हुए देख करके कौवे ने क्या कहा कि मैं आपके चावलों का मूल्य दे दूँगा। उसने कहा कि जो गांव के बाहर पीपल का पेड़ है वहां पे तुम क्या करना, आ जाना, सूर्य उदय होने से पहले क्या करना, आ जाना। तो वह क्या करती है, वहां चली जाती है और जाकर के वहां देखती है। कौवा उठ करके उसको सोने की खिड़की से देखता है। अब आगे देखो इसका हिंदी अनुवाद, आगे बढ़ते हैं। देखो, अहो बाले, अहो बाले यानी अरे बालिका। तो वो क्या कहता है कौवा कि अरे बाले यानी बालिका, बालिका कि अहो बालिका तुम आगत, क्या कहता है तुम आगत का, तुम आ गई, तुम आ गई। तिष्ठम कि ठहरो, अहम तुम कृते सोपान वम तर्त्यामी। वह कहता है कि ठहरो, तिष्ठम यानी ठहरो, तुम कृते यानी तुम्हारे लिए, अहम माने मैं, अहम यानी मैं, तुम कृते यानी तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए सोपान अवतरयामी यानी कि तुम्हारे लिए मैं क्या करता हूँ, सीढ़ी उतारता हूँ। किस लिए? ऊपर भवन में आने के लिए, ऊपर महल में आने के लिए। सोपानम यानी सीढ़ी, जो चढ़ने की सीढ़ी होती है ना, ऊपर चढ़ने के लिए अपनी छत पे होती है ना, वैसे ही वह कहता है उसको कि अरे बालिका तुम आ गई हो, ठहरो मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। फिर वो क्या कहता है, त्वम कथयम स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। वह उससे क्या पूछता है कि तुम स्वर्णमयम यानि सोने की, स्वर्णमयम यानि सोने की और रजतमयम यानि चांदी की, रजत यानि चांदी की और ताम्रमयम यानि तांबे की, ताम्रमयम यानि तांबे की। वह कौवा उससे पूछता है कि तुम सोने की सीढ़ी से ऊपर आओगी या चांदी की सीढ़ी उतारूं या आपके लिए मैं तांबे की सीढ़ी उतारूं, ऐसा उससे कहता है। कौन कहता है? कौवा कहता है। किससे कहता है? उस बालिका से कहता है। फिर आगे देखो, कन्या अवदत, कन्या अवदत, अवदत यानी बोलना। कन्या कहती है या बोलती है, अवदत यानी बोलना। कन्या उस बालिका के लिए आया है, अहम निर्धनम मातुः दुहिता अस्मि। निर्धनम मातु यानी गरीब माता, पहले भी मैंने बताया था आपको कि गरीब माता। दुहिता यानी पुत्री, दुहिता यानी पुत्री। वो क्या कहती है, मैं एक गरीब माता की पुत्री हूँ। वह क्या कहती है कौवे से कि मैं एक गरीब माँ की पुत्री हूँ, यानी कि मैं क्या हूँ, गरीब हूँ। ताम्र सोपाने नैव अगस्यामी, अगस्मियस्मि यानी कि वो क्या कहती है कि मैं ताम्र यानी
पहले भी मैंने बताया है, तांबे की सीढ़ी, वह तांबे की सीढ़ी से आ जाती है। वह क्या कहती है कौवे से कि मेरे लिए आप तांबे की सीढ़ी उतार दो, मैं तांबे की सीढ़ी से ऊपर आ जाऊंगी। फिर आगे देखो, परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्णम भवनम आरोहत। परम यानी परंतु, परंतु कौवा क्या करता है, स्वर्ण सोपानम यानि सोने की सीढ़ी, सोने की सीढ़ी उतारता है उसके लिए, और स्वर्णम यानि सोने के भवन में वह चढ़ जाती है या पहुंच जाती है। कौन सी सीढ़ी से चढ़ती है वह, सोने की सीढ़ी से वह सोने के भवन में चली जाती है या पहुंच जाती है। कौवा उसके लिए सोने की सीढ़ी उतारता है। चीर कालम भवने चित्र विचित्र वस्तु नानी संजीतानी, यानी कि चीर कालम यानी कि लंबे समय तक, बहुत देर तक, यानी कि भवन में तो पहुंच गई है और लंबे समय तक ऐसे चारों तरफ खड़ी खड़ी उस भवन को देख रही है। लंबे समय तक वो क्या कर रही है, देख रही है। क्या देख रही है, चित्र विचित्र वस्तु नानी, यानी कि चित्र और वस्तुएं उसको क्या लग रही थी, विचित्र लग रही थी, विचित्र रूप से क्या थी, संजाती यानी सजी हुई, यानी कि महल क्या था, विचित्र वस्तुओं से सजा हुआ, विचित्र वस्तुओं से, चित्रों से सजा हुआ था, क्योंकि वो तो एक गरीब माँ की बेटी थी, उसने अपनी कुटिया में कभी कुछ देखा नहीं था, उसको महल में ही सब कुछ देखने को मिला। आगे देखो, दृष्ट्वा सा विस्मय गता, और दृष्ट्वा यानी ऐसा देखकर, देखकर विस्मय यानी आश्चर्यचकित, विस्मय यानी आश्चर्यचकित, वह क्या हो गई, ऐसा देखकर के भवन में ऐसी विचित्र वस्तुओं के चित्रों को सजा हुआ देख करके वह क्या हो गई, बालिका आश्चर्यचकित रह गई, आश्चर्यचकित रह गई या हो गई। श्रांताम ताम विलोके का कह अवदत। अब देखो, श्रांताम यानी थकी हुई, श्रांताम यानी थकी हुई, यानी कि विलोके यानी देखकर, विलोके यानी देखकर कौवे ने अवदत यानी कहा या बोला, किससे बोला, यानी कि वह विचित्र वस्तुओं को देख रही थी और आश्चर्यचकित हो गई और फिर उसको थकी हुई सी लगी, कौन, वह बालिका, उसको थका हुआ सा कौवे ने उसको थका हुआ सा देख करके बोला, पूर्व लघु प्रातः राशह क्रियताम। वो कहते हैं कि तुम पहले क्या कर लो, थोड़ा सा कुछ खा लो, या थोड़ा सा सुबह पहले अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा नाश्ता करते हैं ना, तो इसलिए वो कहता है कि थोड़ा सा कुछ खा लो, प्रातः राशह नहीं, थोड़ा सा, थोड़ा सा पहले, पूर्व यानी पहले, वो क्या कहता है कौवा बालिका से कि पहले तुम थोड़ा सा कुछ खा लो या भोजन कर लो। वद त्वं स्वर्ण थाल्यायां भोजनम करिष्यामि किम वा रजत स्थाल्यायां उत ताम्र स्थाल्यायां। वह क्या कहता है उससे कि स्वर्ण स्थाल्यायां यानी सोने की थाली, क्या अर्थ होगा इसका, सोने की थाली, और इसका अर्थ हो जाएगा चांदी की थाली, चांदी की थाली, और इसका अर्थ हो जाएगा तांबे की थाली, तांबे की थाली। वह उसे कहता है कि तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में भोजन करोगी या तांबे की थाली में भोजन करोगी। अब देखो आगे, बालिका अवदत, बालिका बोलती है, अवदत यानी
बोलती। बालिका क्या कहती है कि ताम्रस्थालायाम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामी। वह क्या कहती है, तांबे की थाली, तांबे की थाली, अहम यानी मैं, निर्धना यानी क्या हूँ, गरीब हूँ, निर्धना यानी गरीब, भोजनम करिष्यामी यानी करूँगी या कर लूँगी। वह क्या कहती है, मैं एक गरीब हूँ या एक गरीब माँ की बेटी हूँ या एक गरीब बालिका हूँ, तो मैं क्या कर लूँगी, तांबे की थाली में ही भोजन कर लूँगी। आ गया समझ में। आगे देखो, तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम। अब देखो, वह क्या हो जाती है, सामाने वह कौन, बालिका, यह बालिका के लिए आया है, संजाता यानी हो गई, संजाता का अर्थ होता है हो गई, जब सोने के कव्वे ने सोने की थाली में भोजन परोसता है, परिवेशितम यानी परोसना, परोसना क्या अर्थ होगा इसका, परोसना भोजन थाली में डालना। तो कौवा क्या करता है, वह आश्चर्यचकित होता है सोने के कौवे ने उसको सोने की थाली में क्या डालता है, भोजन परोसता है, परोस देता है भोजन। फिर न एतादृश स्वादु भोजनम मधावधि बालिका खादितवती। एतादृश यानी ऐसा कभी भी, ऐसा देखा कभी भी, ऐसा कभी भी, स्वादिष्ट यानी स्वादु यानी स्वादिष्ट, स्वादिष्ट भोजन, यानी कि उस बालिका ने ऐसा स्वादिष्ट ऐसा मीठा भोजन कभी भी नहीं खाया। यानी कि वो तो क्या थी, एक गरीब माँ की बेटी थी, गरीब माँ की बेटी तो रूखी सूखी रोटी सब्जी खा सकती है, उसको वही मिलता है, तो इसने ऐसा स्वादिष्ट मीठा अच्छा सुंदर भोजन कभी नहीं देखा था। वह ऐसा देख करके क्या हो गई थी, आश्चर्यचकित हो गई थी। अब देखो अपना ये इतना हो गया है, आगे वाला और पढ़ेंगे। अब दोबारा बता देती हूँ एक बार, वो कहता है, कौवा कहता है कि एहो बालिका तुम आ गई हो, तुम्हारे लिए मैं ठहरो, तुम्हारे लिए मैं एक ऊपर आने के लिए क्या करता हूँ, सीढ़ी उतारता हूँ। तो उससे पूछता है कि आप सोने की सीढ़ी से आओगी या चांदी की सीढ़ी से या तांबे की सीढ़ी से। तो वह बालिका क्या कहती है, मैं गरीब माता की एक बेटी हूँ, तो मैं तांबे की सीढ़ी से ही ऊपर आ जाऊँगी। तो उसके लिए वह क्या करता है, कौवा सोने की सीढ़ी उतारता है, और सोने की सीढ़ी से वह क्या करती है, भवन में पहुँच जाती है, और पहुँच करके लंबे समय तक विचित्र विचित्र वस्तुओं को, चित्र विचित्र वस्तुओं को क्या करती है, देखती है, सजी हुई वस्तुओं को या पूरे महल को सजा हुआ देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है। और फिर क्या करती है, वह उसको थोड़ा सा थका हुआ देख करके कौवा क्या कहता है कि तुम सुबह का थोड़ा सा भोजन कर लो, क्या गई हो तुम, थोड़ी सी थक गई हो, इसलिए क्या कर लो, भोजन कर लो। तो वह उससे पूछता है कि तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में भोजन करोगी या तांबे की थाली में भोजन करोगी। तो वह क्या कहती है वापस, उसका तो एक ही जवाब था कि मैं तो गरीब हूँ इसलिए मैं तो तांबे की थाली में ही भोजन कर लूँगी। लेकिन कौवा क्या करता है, उसे सोने की थाली में स्वादिष्ट भोजन परोस देता है। ऐसा स्वादिष्ट भोजन उसने कभी भी नहीं देखा था, ऐसा स्वादिष्ट भोजन उसने कभी भी नहीं खाया था, ऐसा स्वादिष्ट भोजन वह खा करके क्या हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है। अब देखो आगे वह क्या कहती है या क्या होता है, वह आगे वाली क्लास में अपन देखेंगे। अब देखो इसके कठिन शब्दार्थ मैंने देख लिए हैं, बहुत ही अच्छी कहानी है, पशु पक्षियों की कहानियाँ बहुत रोमांटिक होती है, अच्छी होती हैं। इसमें आप ध्यान करके और अच्छे से मन लगा के इस कहानी को पढ़ना, ठीक है।